मैं कैलाश, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS with कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए SSC प्रैक्टिस सेट लेकर आए जाते हैं और आज हम इसका सेट 9 डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से बनाया गया है। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो हम जानते हैं मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो इन्हीं अनुच्छेदों के बीच यानी मूल अधिकारों के बीच में ही कानून के समक्ष सबको बराबर बताया गया है, यानी विधि की नज़रों में सब बराबर हैं, विधि के समक्ष सब लोग समान हैं। और ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी लोग कानून की नज़र में या कानून के समक्ष समान हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसका जो मौलिक अधिकार बनाया गया ये किस में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में शामिल करते हुए इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय सेना का मुखिया कौन होता है? अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का मुखिया कौन होता है? तो हम जानते हैं भारतीय सेना जो है तीनों सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 1 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान पूछा गया है यहाँ पे, और यह सम्मान जो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो थलसेना, नौसेना या वायुसेना में महान वीरता और त्याग को प्रदर्शित करते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के लिए इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले 2008 में अभिनव बिंद्रा थे। और यह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं निशानेबाजी से। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? यह कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, बुकर पुरस्कार जो है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तीनों ही पुरस्कार जो होते हैं ये केवल साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये तीनों जो हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। जबकि मैग्सेसे पुरस्कार जो है, मैग्सेसे पुरस्कार साहित्य के अलावा सरकारी सेवा और लोक हित तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है, मैग्सेसे पुरस्कार साहित्य, सरकारी सेवा, लोकहित सेवा, पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जबकि जो अन्य तीन थे ये साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। निम्न में से कौन अन्य तीन से अलग है? इनमें से कौन सा है जो अन्य तीन से अलग है? सारनाथ, ननकाना साहिब, बेथेलम और मक्का। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, मक्का मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है। मक्का जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, इनका जन्म स्थान है। इसके अलावा ननकाना साहिब जो है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान है, और बेथेलम जो है यह जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान है। तो कौन सा बचा यहाँ पर? सारनाथ। और सारनाथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी है जो नेपाल में स्थित है। तो हम देखेंगे अन्य तीन से भिन्न कैसे है। अन्य तीनों जो स्थल हैं वो तीनों ही स्थल जन्म स्थान से संबंधित हैं महापुरुषों के, और जो सारनाथ है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म अन्य स्थान पर यानी नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। भारत के पूर्वी घाट का एक और नया नाम क्या है? भारत के पूर्वी घाट का एक नाम और पूछा गया है। तो भारत का जो पूर्वी घाट होता है,
बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तटीय मैदान को भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहते हैं, जबकि अरब सागर के तट से लगने वाला जो मैदान होता है, इस साइड जो लगने वाला मैदान है, देखिए ये अगर प्रायद्वीप भारत की पिक्चर बनाई जाए तो इस साइड का जो मैदान है ये पूर्वी घाट कहलाता है और इस साइड का जो भाग है यह पश्चिमी घाट कहलाता है। चलिए तो देखेंगे पूर्वी घाट का नाम पूछा गया है। तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्कल मैदान, आंध्रा मैदान और तमिलनाडु मैदान में विभाजित है। तो हम उत्तरी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जबकि मराठवाड़ा, कोंकण और मालाबार ये तीनों पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। कोशिकीय झिल्ली किस में पाई जाती है? 59 क्वेश्चन, कोशिकीय झिल्ली जो है यह किस में पाई जाती है? तो कोशिकीय झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। सजीव कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों से एक अलग अलग पारगम्य झिल्ली से घिरी है, वह प्लाज्मा झिल्ली। तो यह दोनों में पाई जाती है और यह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई जीन सभी सजीवों में एक भाग है और ये क्या होता है? ये होता है डीएनए। आनुवंशिकता की इकाई जो है, अगर किसी की वंश के बारे में पता करना है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया, आनुवंशिकता का नियम जो है ये किसके द्वारा पूछा गया, प्रस्तुत किया गया? तो ग्रेगर मंडल के द्वारा। एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी ग्रेगर मंडल ने खेतों की मटर पर कुछ सुरुचिपूर्ण परीक्षण किए जो आनुवंशिकता के मूलभूत सिद्धांत के रूप में 1866 में एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। उनके इस योगदान के लिए उन्हें आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ग्रेगर मंडल ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे ये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। देखिए आपको बताया गया था दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल, हम एक वर्ड है जिससे याद कर लेते हैं और ये वर्ड क्या हो जाता है? दूना। तो दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा सी, अवतल लेंस का। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का हस्ताक्षर कहाँ हुआ था? 63 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का हस्ताक्षर कहाँ हुआ था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सैन फ्रांसिस्को अधिवेशन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर संयुक्त राष्ट्र की मूलभूत संधि है। इस पर सैन फ्रांसिस्को की युद्ध स्मृति और सैन फ्रांसिस्को यूएस में कला केंद्र प्रदर्शित करने पर 26 जून 1945 को स्थायी सदस्य देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। मक्खन किसका उदाहरण है? मिश्रण का, पायसन का, जेली का या फोम का? तो मक्खन जो है एक पायस है। किसका उदाहरण हो जाता है? पायस का। अध चेतक या हाइपोथैलेमस बोलेंगे इंग्लिश में बोलना ज़्यादा आसान है। हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस जो है छोटी आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय या हृदय। तो सही आंसर होगा सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क के मध्य भाग के अंदर दो महत्वपूर्ण गृह पदार्थ होते हैं जैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जबकि थैलेमस संवेदनीय सूचनाओं जैसे दर्द, तापमान, दाब और स्पर्श को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस केंद्रों को नियंत्रित करता है जैसे भूख, जल स्तर, शारीरिक तापमान आदि। तो हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्न में से कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो हम जानते हैं थायराइड। इनमें से थायराइड जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि।
चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है, क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, नाम्य धमनी या फिर फुफ्फुसीय शिरा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है, 67 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और यह हो जाती है आपके महाधमनी। महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी होती है। सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की जो संख्या है वो किस ग्रह के साथ संबद्ध है? तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं और दूसरे नंबर पर स्थान आता है बृहस्पति का। तो सर्वाधिक ग्रह उपग्रह जो हैं वो किसके हैं? शनि के। यहाँ पूछा गया सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है यह गैनीमेड है। इसका व्यास 5262 मीटर है और यह बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र, यूरेनस, मंगल और नेपच्यून। इनमें से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो हम जानते हैं बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? पानी, लोहा, हवा या निर्वात। तो हम देखेंगे इनमें सबसे अधिक जो गति हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? लोहे में। इस्पात कह सकते हैं, इस्पात में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? तो ये हो जाएगा न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियम किससे संबंधित हैं? तो न्यूटन ने 3 गुरुत्वाकर्षण नियम दिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसके अनुसार है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक और क्रिया होती है जिसे प्रतिक्रिया कहा जाता है, यह नियम किसने दिया? तो न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया। अब यहाँ पर पूछा गया है न्यूटन का प्रथम, द्वितीय या तृतीय, कौन सा नियम हो जाता है ये? तो किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल और लगेगा, या हम किसी वस्तु पर जो क्रिया करेंगे उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक क्रिया और होगी, यानी प्रतिक्रिया होगी। ऐसा न्यूटन के द्वारा तीसरे नियम में बताया गया, न्यूटन के तीसरे नियम में यह उल्लेख किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कथकली का जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो सही आंसर होगा बी, केरल। देखिए कथक जो है वह यूपी से संबंधित है और कथकली जो है यह केरल से संबंधित है। पानी का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर पानी जम जाएगा, संकुचित होगा, पहले संकुचित होगा फिर बढ़ेगा, पहले फैलेगा फिर संकुचित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जब तापमान कमरे के तापमान के से कम होता है तो द्रव्य पहले संकुचित होता है, फिर यह जल अपने हिमांक पर पहुंचने की कोशिश करता है और प्रसारित होता है। अतः यह लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने पर संकुचित होगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने में धीरे धीरे प्रसारित होगा। जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस उससे नीचे हो जाता है तो यह बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले संकुचित होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ रूप में बढ़ता है तो पानी जो है फैलने लगता है और इसी के कारण पानी की अवस्था वही रहती है लेकिन आकार बढ़ जाने के कारण बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है, अर्थात उसका घनत्व अधिक हो जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने में, यहाँ दो ऑप्शन दिए गए थे 8 डिग्री से 0 डिग्री, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तब संकुचित होगा और जब 4 से 0 की तरफ बढ़ेगा तब फैलने लगेगा यानी प्रसारित होने लगेगा, जिसे बढ़ेगा लिखा गया है यहाँ पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 75 क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑक्सफोर्ड झील किस प्रकार की नदियों से बनती है? तो ऑक्सफोर्ड झील जो है निचले या समतल भाग में
बनी है। पहले से बना हुआ लूप इसे नदी की मुख्य धारा से अलग करता है, पानी इसके अलग भाग से जमा होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, निम्न तथा मैदानी जलभागों में। आल्प पहाड़ियाँ किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? आल्प पहाड़ियाँ जो हैं किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? तो वलयदार पर्वत, यानी वलयदार पहाड़ियाँ हैं, ये वलयाकार कह सकते हैं। वलयदार पर्वत पर्वतों का सबसे सामान्य प्रकार है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ वलयदार पर्वत हैं। वलयदार पर्वत तब बनते हैं जब दो प्लेटों के सिरे आपस में टकराते हैं और उनके किनारे टूट जाते हैं। कुछ इसी प्रकार जैसे कागज़ के टुकड़े को जब दोनों भागों से दबाया जाए तो वह बीच में से मुड़ जाता है। मुड़ा हुआ ऊपरी भाग अपनति और नीचे की ओर धसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। वलित पर्वतों के उदाहरण एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और रूस में यूराल पर्वत हैं। तो वलित पर्वतों के जो उदाहरण दिए गए हैं एक बार ध्यान से सुनेंगे, एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और रूस में यूराल पर्वत जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वातावरण के किस मंडल में मौसम संबंधी अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं? 78 क्वेश्चन, वातावरण के किस मंडल में मौसम संबंधी अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं? तो 78 क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जो अधिकांश घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल। और यह जो है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे पहली परत है। वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल। और जो क्षोभ शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब ही होता है परिवर्तन। चूना पत्थर तथा खड़िया किसका उदाहरण है? चूना पत्थर तथा खड़िया किसका उदाहरण है? 79 क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा डी, रूपांतरित चट्टानों का। चूना पत्थर अधिक विविधता के साथ पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों का एक सामान्य नाम है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट कई स्रोतों से आता है, विशेषकर जो जैविक मूल के हैं जैसे हड्डियाँ, दांत और सीप या शंख या ढांचा, इसी सामग्री का बना होता है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा डी, रूपांतरित चट्टान है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 80वां क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा सी, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 10 मीटर ऊँचा है। नर्मदा नदी विश्व की प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से इसका रास्ता बनाती है। जब यह नीचे गिरता है तो उस स्थान पर कुआसा सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कोल्ड स्टोरेज यानी प्रसिद्ध गृह जो कहलाते हैं हिंदी में, कोल्ड स्टोरेज बनाते वक्त मोटे ईंट के दीवार क्यों बनाए जाते हैं? तो कोल्ड स्टोर बनाते समय ईंटों की मोटी दीवार का उपयोग किया जाता है क्योंकि ईंट ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक। तो सही आंसर होगा सी, ईंट ताप का कुचालक होती हैं, इसलिए मोटी ईंट की दीवारें बनाई जाती हैं जिससे अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। 82 क्वेश्चन, छोटी विद्युत धाराओं को मापने का यंत्र क्या है? छोटी विद्युत धाराओं को मापने का यंत्र क्या है? तो गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत धारा का पता करने या उसे मापने का एक यंत्र है। हाइड्रोजन अणुओं को क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का क्या है? हाइड्रोजन अणुओं की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है और वो भी क्रमशः पूछी गई है। तो 83 क्वेश्चन और सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन परमाणु रासायनिक तत्व हाइड्रोजन का एक परमाणु है। विद्युत तटस्थ परमाणु में कूलम बल द्वारा नाभिक से बंधा हुआ एक एकल धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 110, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 0। केल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक क्या है? केल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो यह होता है 273 केल्विन। केल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन। 85वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन अणुओं को पुनर्व्यवस्थित करते हैं लेकिन उनके आंतरिक आकार को प्रभावित के कुछ उदाहरण हैं।
जैसे उबल कर अंडे का सफ़ेद हो जाना, उबलता हुआ पानी, पानी में चीनी का घुलना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दो वस्तुओं के बीच ताप का प्रसार किन बातों पर निर्भर करता है? 86 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दो वस्तुओं के बीच ताप का प्रसार किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उनकी ताप क्षमता पर। तापमान वह भौतिक कारण है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ताप के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है, यानी अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। उसमें ऊर्जा हमेशा अधिक तापमान वाले बॉडी से निम्न तापमान वाले बॉडी में प्रवाहित होती है, तो उनकी ताप क्षमता पर। कौन सा हार्मोन रक्तचाप नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन जो है रक्तचाप नियंत्रित करता है? 87 क्वेश्चन। तो एग्रीनिन वेसोप्रोसीन जो है यह एक न्यूरोफिजिकल हार्मोन है जो रक्तचाप को यानी बीपी को कंट्रोल करता है। रेफ्रिजरेटर में किससे बनी ट्रे में बर्फ जल्दी जम जाएगी? तो फ्रिज में हम जो ट्रे यूज करते हैं किससे बनी ट्रे में बर्फ़ जल्दी जम जाती है? तो एल्यूमिनियम के ताप का सुचालक होने के कारण वह पदार्थ को बड़ी आसानी से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है और इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम प्रयोग करेंगे रेफ्रिजरेटर में, अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में बर्फ़ जमाएंगे तो वो अधिक आसानी से या अधिक जल्दी जम जाएगी। भारत में राष्ट्रीय आय की भविष्यवाणी कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो घोषणा की जाती है या इसका जो अनुमान लगाया जाता है ये पूछा गया है, तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा की जाती है। रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो 90वां क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर हो जाएगा रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 का उपयोग करते हैं और O2 उत्सर्जित करते हैं, लेकिन रात के समय CO2 का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए हवा में CO2 का अनुपात बढ़ जाता है। अतः रात्रि के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। विश्व में सबसे हल्का तत्व क्या है? विश्व में सबसे हल्का तत्व पूछा गया है, तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है। इसका अर्थ है कि इसका परमाणु संख्या 1 है या प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है। इसका 1.00797 भार हाइड्रोजन को बसे हल्का तत्व बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व हो जाता है आवर्त सारणी में। इसका स्थान कौन सा है? पहला। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? हंसाने वाली गैस जो है कौन सी गैस कहलाती है? तो सही आंसर होगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में हवा के बुलबुले क्यों चमकते हैं? 93 क्वेश्चन। पानी में हवा के बुलबुले जो है ये क्यों चमकते हैं? तो आंसर होगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हवा के बुलबुले पानी में चमकते हैं, इसका कारण कुल आंतरिक या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हवा के बुलबुले के अंदर प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा अधिक होती है। रक्त श्रेणी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? 94 क्वेश्चन। रक्त श्रेणी की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो रक्त समूह की जो खोज थी सन 1900 में लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। तो सही आंसर होगा ए, लैंड स्टीनर। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानव रक्त जो है 4 समूह में विभाजित होता है, ए, बी, ए बी और ओ। अमोनिया गैस कहाँ प्राप्त होती है? 95 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अमोनिया गैस जो है कहाँ प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा सी, हवा में ऊर्ध्व विस्थापन पर। एक गैस जो वायु से कम सघन है उसे वायु के ऊर्ध्व त्वरण द्वारा एकत्रित किया जाता है। उन गैसों के उदाहरण जिन्हें इस विधि से एकत्रित किया जा सकता है वे अमोनिया और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा? हवा के ऊर्ध्व विस्थापन पर की है
हवा के ऊर्ध्व विस्थापन पर इसे प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? 96 क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रिक एसिड के नमक को, लवण को नाइट्रेट कहते हैं, इसे नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रिक एसिड प्रबल एसिड की विशेषता प्रदर्शित करता है और यह एक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्मक है। अस्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ से नियंत्रित होती हैं? अस्वैच्छिक मांसपेशियां जो हैं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? तो सही आंसर होगा सी, मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वास लेना, धड़कन का धड़कना, रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह और ग्रंथियों में श्राव इत्यादि को नियंत्रित करता है। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राइथाइल लेड जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो सही आंसर होगा सी, फ्लैश बिंदु बढ़ाने के लिए। टेट्राइथाइल लेड जो है यह फ्लैश बिंदु बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार यानी इसे हम HGS के नाम से भी जानते हैं, HGS। सिनाबार किसका अयस्क है? तो सिनाबार जो है HGS के रासायनिक संयोजन के साथ एक जहरीला सल्फाइड खनिज है। यह पारा का एकमात्र महत्वपूर्ण अयस्क है। तो सही आंसर होगा HGS यानी पारा। किसका अयस्क है? तो पारे का। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? पारा। कंप्यूटर के IC चिप्स किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटर की जो IC चिप होती है यह सामान्यतः सिलिकॉन की बनी होती है। सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। उम्मीद करते हैं आज की सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सभी लोग इसे एक बार लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।